चलिए स्टार्ट करें। जाने वाले चले गए, अभी मैंने जस्ट ग्रुप में मैप अपलोड किया था, देखा आप लोगों ने? जिसको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर, वहाँ पे देखते चलेंगे। चलिए डैम के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात। देखिए जलप्रपातों की चर्चा करें तो भारत में जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, दो चार प्रश्न ही यहाँ से पूछे जाते हैं और वही फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो कर्नाटक आपका छत्तीसगढ़ वाला और झारखंड के कुछ, इसके अलावा मध्य प्रदेश में, ये इतने चार राज्यों के हैं वो ज़्यादा करके आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्थ से शुरू करें तो यहाँ पर चंबल नदी पर, चंबल नदी कहाँ से निकलता है फिर से याद करते जाना, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलता है, राजस्थान में जाता है, फिर किस नदी की सहायक बन जाती है? वेरी गुड, यमुना की सहायक हो जाती है, ठीक है। तो चंबल नदी, इस नदी पर चुलिया जलप्रपात है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद में यहाँ से निकलने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है आपके मध्य प्रदेश से, कौन सी? नर्मदा नदी। अलग अलग जगहों पर इसमें कई सारे वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं, और इसी में ही जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जैसे कि पुनासा जलप्रपात, जिनको भी यहाँ पे ठीक से विजिबल नहीं है मैप में, आपके पास जो मोबाइल में मैप मैंने सेंड किया है वहाँ से देख लीजिएगा, पुनासा जलप्रपात। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात, इसके अलावा कपिलधारा जलप्रपात, और एक है मधार जलप्रपात, ठीक। ये चार जलप्रपात वाटरफॉल एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस नदी पर? नर्मदा नदी के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से निकलने वाली कौन सी नदी है? कृष्णा या गोदावरी? गोदावरी। कृष्णा कौन से नदी से, सॉरी कृष्णा कौन से जगह से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? पीछे पलटो, दो चीज बताना, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से है? महाबलेश्वर। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? त्र्यंबक चोटी, महाराष्ट्र, ठीक। इसी महाबलेश्वर से कुछ और भी नदियां हैं जिसमें एक नदी का नाम है येना नदी, और इसी पर एक जलप्रपात है येना जलप्रपात, ठीक है। येना जलप्रपात किस नदी पर है? नदी के नाम पे ही है, येना नदी पर। कहां से उद्गम है? महाबलेश्वर से। फिर नीचे चलेंगे गुजरात, सॉरी आपका ये गोवा, गोवा में एक नदी है मांडवी, दूसरा एक नदी है जहाँ पे बहुत जुआ खेलते हैं लोग, जुआरी या जुआरी नदी, मांडवी और जुआरी नदी। इसी मांडवी नदी पर एक है दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद में कर्नाटक वाले क्षेत्र में आएंगे तो कर्नाटक में एक है शरावती नदी, शरावती नदी पर
जोग जलप्रपात या इसी का दूसरा नाम है गरसोप्पा, या इसी को दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, ये सभी एक ही जलप्रपात के नाम है। किस नदी पर है? शरावती। किस राज्य में है? कर्नाटक में। इसकी खासियत क्या है? कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हालांकि अलग अलग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आंसर अलग हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में अलग अलग, जब आप एग्ज़ाम दोगे, सेंट्रल के कुछ एग्ज़ाम दोगे तब हो सकता है ये आंसर नहीं लेगा, पर क्योंकि हमारा ये बैच विशेष तौर पर PSC व्यापम के लिए है, वहाँ पे जो आंसर लिया गया है वही आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि किस नदी पर है? शरावती। किस राज्य में है? कर्नाटक में। उसके बाद में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, और इसी कावेरी नदी पर एक शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, जो कि भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में गोकक नदी पर है गोकक जलप्रपात, उसके बाद में है कुंचिकल जलप्रपात जो कि वराही नदी पर है, कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर। इसमें विवाद क्या है? एक्चुअल में जो हाइट है वो कुंचिकल जलप्रपात का है इससे भी ज़्यादा है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात से भी ज़्यादा हाइट है कुंचिकल जलप्रपात का। लेकिन जो NCERT की किताबें हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है, NCERT के बुक्स जो है UPSC के एस्पिरेंट्स ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, तो कुंचिकल जलप्रपात 1980s के टाइम से जो है वो, सॉरी, जोग जलप्रपात जो है वो 1980s के टाइम से, वो बुक जब प्रिंट होनी शुरू हुई थी तब से क्या लेता है, जोग जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। आज तक वो डेटा चेंज नहीं हुआ है और एग्ज़ाम में भी यही डेटा लिया जाता है, पर एक्चुअल में जब हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स आ गए जिससे कि हम एक्चुअली किसी जगह का, किसी लोकेशन का एल्टीट्यूड नाप सकते हैं, उसके बाद में हमको समझ में आया कि कुंचिकल जलप्रपात एक्चुअली में हाईएस्ट है, ठीक है, जोग से भी हाईएस्ट है कुंचिकल। पर अभी भी आंसर क्या लेंगे हम? जोग जलप्रपात, क्योंकि PSC व्यापम में ये आंसर लिया हुआ है पहले। मान लीजिए कि आपने ये आंसर टिक किया और अमेंडेड आंसर जब आंसर की रिलीज होता है उस टाइम पे गलत आंसर आयोग के तरफ से दिया जाता है, तब आप क्लेम कर सकते हो कि प्रीवियस एग्जाम में ये आंसर लिया गया है तो यही आंसर अब करेक्ट होना चाहिए करके। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उस साल में वो क्वेश्चन हो सकता है एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है, अगर आयोग की मर्जी होती है तो क्वेश्चन एलिमिनेट कर देंगे या फिर आपका यही आंसर सही मानेंगे, ठीक है। तो एट प्रेजेंट हमारे एग्जाम के हिसाब से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में। इसके अलावा कर्नाटक में ही कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर और पैकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे नीलगिरी क्षेत्र में है। अब यहाँ पे पूर्व की तरफ चलेंगे झारखंड में। झारखंड में गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर, हुंडरू जलप्रपात पूछा गया है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। इसके अलावा साडनी जलप्रपात शंख नदी पर, दसम जलप्रपात कांची नदी पर और काकोलत जलप्रपात काकोलत नदी पर, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें से हुंडरू के बारे में पूछा गया है। गौतम धारा PSC में नहीं पूछा है, SSC वगैरह में पूछा गया, गौतम धारा किस नदी पर, किस राज्य में है, ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात झारखंड में रारू नदी पर। और छत्तीसगढ़ का ये वाला आंसर तो हम सभी को रटा हुआ है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती, भारत का नियाग्रा के नाम से फेमस है। नियाग्रा क्यों फेमस है? चौड़ाई की वजह से या ऊंचाई की वजह से? चौड़ाई की वजह से। चित्रकूट जलप्रपात भी 300 फीट चौड़ा है, इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अमेरिका कनाडा के बीच में, हाँ, ठीक है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा भारत के प्रमुख जलप्रपात, और इसमें जो भी हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी चीज़ें नोट करेंगे, बाकी आप इस मैप को फॉलो कर लेंगे। सबसे पहला नोट करेंगे जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात इसमें सबसे पहला है जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। डैश करके उसी में लिखेंगे शरावती नदी, शरावती नदी,
डैश करके उसी में या ब्रैकेट में लिख लेंगे कर्नाटक शरावती नदी, कर्नाटक और डैश करके भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम डैश कावेरी नदी, कावेरी ब्रैकेट में कर्नाटक, शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक डैश करके। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात। ऊंचाई और आयतन समझ में आ रहा है ना, ऊंचाई बात की जा रही है कि सी लेवल से कितना एल्टीट्यूड पर, कितने एल्टीट्यूड से पानी गिर रहा है। ठीक है, सपोज़ ये सी लेवल है, कितने एल्टीट्यूड से पानी गिर रहा है, और सबसे बड़ा कहने का मतलब है कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ से गिर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, भारत का नियाग्रा डैश करके उसी में ही नोट करेंगे भारत का नियाग्रा, चाहे तो इसका चौड़ाई वगैरह नोट कर लीजिएगा 300 फीट चौड़ा। नेक्स्ट है कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक, कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक इसमें नोट कर लेंगे। इसमें सिर्फ इतनी चीज नोट करेंगे कि पीएससी व्यापम के अलावा अन्य एग्जाम के लिए परीक्षा उसमें नोट कर लीजिएगा, पीएससी व्यापम के अलावा अन्य परीक्षाओं में सबसे ऊंचा जलप्रपात, पीएससी व्यापम के अलावा अन्य परीक्षाओं में सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, जब आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे या दोबारा पढ़ रहे होंगे तो दिमाग में किसी तरीके का डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या चीज किसके लिए था। चलिए, नदियों के बारे में हमने दो टॉपिक और कवर किए हैं, एक तो था हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और सेकंड था इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा मेजर लेक्स या भारत के महत्वपूर्ण झील, भारत के महत्वपूर्ण झील इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण झील। यहाँ पे भी जो नोट करने की चीज़ें हैं मैं अलग से आपको नोट करवा दूंगा, बस अभी 5 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें भी अगर आपको जो चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको मैंने जो मैप फॉरवर्ड किया है उसी में ही आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेजर लेक्स या झीलों की बात करें तो सबसे ऊपर नॉर्थ से शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। यहाँ पे जो दो इम्पॉर्टेंट झील है, एक तो है आपका वुलर झील और एक है डल झील, वुलर झील और डल झील।
इसमें भी दोनों ही अपने अपने नेचर की वजह से ज़्यादा फेमस हैं। जैसे कि वुलर झील के बारे में दो फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। बाकी के जो और झील हैं जो बड़े झील की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में है, पर इनमें जो पानी है वो कैसा है, सलाइन है, सॉल्टी है, खारा पानी है, ठीक है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील, किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब इसी के आसपास लिखे हुए हैं, बस आप जूम करके उसको ध्यान से देखिएगा। वुलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, झेलम नदी पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो झील है वो किस टाइप का, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो इसके बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि ये गोखुर झील है, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। और क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न भी आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यहीं पे ऊपर में मिल जाएगा इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है। झेलम नदी, कोई भी नदी का प्रवाह अगर एक प्लेन एरिया में है तो नॉर्मल वो अपने स्लोप को फॉलो करेगा, जिस दिशा में उसकी ढाल है उसी दिशा में चलते जाएगा। लेकिन सपोज इसका स्लोप एकदम ही स्लो है और मान लो बहुत धीरे धीरे बह रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने सेडिमेंट्स को वहीं डिपॉजिट करना शुरू करेगा और अपने ही रास्ते में बाधा पैदा कर लेगा, ठीक है। जैसे जैसे उसके सेडिमेंट्स नीचे डिपॉजिट होंगे वो अपने रास्ते में बाधा पैदा कर लेगा और अपना रास्ता बदल के अलग रास्ते से जाना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे उस रास्ते में भी अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करेगा। एक समय ऐसा आ जाता है जब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीधा ना होकर धीरे धीरे ये इसका जो बैंड है वो बढ़ते जाएगा और एक समय पे ये इस तरीके से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बैंड के थ्रू बहने लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो जाता है, फ्लक्चुएशन आएगा। उसके बाद में सपोज़ कभी इसमें वाटर लेवल बढ़ता है या फिर इसमें बाढ़ की स्थिति आ जाती है, ऐसी कंडीशन में इसका पानी ओवरफ्लो होकर के दोबारा यहाँ से बहने लगेगा और कुछ टाइम के बाद में इस पूरे एरिया में सेडिमेंट बहन जमने के कारण ये वाला जो एरिया है वो अलग से कट जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया था जो कि बैंड हो चुका था काफ़ी एक बड़ा सा एरिया, वो इस मेन स्ट्रीम से कट जाएगा और रिवर अपने वापस से पुराने स्पेस से ही बहने लगती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो पूरी रिवर स्ट्रीम से लगा हुआ तो है पर वो प्रॉपरली अलग स्ट्रक्चर बना देता है और नदी का पानी इसमें वाटर की सप्लाई तो करता है पर डायरेक्ट इसके फ्लो इसके कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, ठीक है। डायरेक्ट इसका रिवर का फ्लो जो है वो अपना एक अलग पाथ बना चुका रहता है, अलग मार्ग निर्धारित कर चुका रहता है। इस कंडीशन को कहते हैं, ये जो प्रॉपर एक अलग से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक या गोखुर झील, ठीक है। गाय के खुर जैसी एक आकृति निर्मित हो जाती है इस तरीके से, इसी को कहा जा रहा है गोखुर झील या ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो इसका निर्माण किस तरीके से होता है, नदियों के अपवाह में या नदियों के प्रवाह में परिवर्तन के कारण, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन के कारण गोखुर झील का निर्माण होता है और झेलम नदी पे इसी तरीके से एक झील निर्मित है, वुलर झील, ठीक है। उसके बाद में डल झील, ये भी आपके जम्मू कश्मीर राज्य में ही, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ही स्थित है। इसके अलावा बहुत सारे झील हैं जैसे कि अनंतनाग, बेरीनाग, जितने भी नाग नागिन टाइप के झील हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे या फिर हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, ठीक। जैसे अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, पोंगोंग छो या पेंगोंग छो, ये वाला जो झील है एक्चुअल में इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पे है। आपको वो इवेंट याद है जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हाँ, वहाँ पे जो मेन डिस्प्यूटेड रीजन था वो इसी पेंगोंग सो लेक के आसपास था, ठीक है। असल में इसका जो तिब्बती नाम है वो इस तरीके से है, पेंगोंग सो, ठीक, या हिंदी में इसको भारत में कह दिया जाता है पोंगोंग छो डैम, सॉरी पेंगोंग सो लेक या पोंगोंग छो झील। पेंगोंग सो झील जो है वो भारत और चीन के आसपास इसी तरीके से लोकेटेड है और जब ये सूख जाता है तो चीन क्या करता है, उस सूखे वाले एरिया को वापस कैप्चर करने की कोशिश करता है और भारत काफ़ी टाइम से ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था
धीरे धीरे जैसे जैसे चीन जो है वो अपने क्षेत्र से आगे बढ़ता गया, भारत ने उसको उसका विरोध दर्ज करवाया और उसी बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में झड़प हो गया था और वो फाइट एकदम लंबे टाइम तक थोड़ी बड़ी सी फाइट में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक, तो ये जितने भी झील हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य के हिसाब से लिखे गए हैं। ये सिर्फ पोंगोंग छो, आप मैं इसको नोट करवा दूंगा, पोंगोंग छो लेक के बारे में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था जिस टाइम ये इवेंट हुआ था, कहाँ पर स्थित है, तो तिब्बत और आपके लद्दाख के बीच में है। ठीक है, वुलर झील, डल झील, इसके अलावा पेंगोंग सो या पोंगोंग छो झील, ये तीन याद रखेंगे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछा गया है आपका गोविंद सागर झील। अब वापस से कंफ्यूजन वाला स्टेट पैदा होगा, आपके पास जो मैप आपने ड्रॉ किया है, जो मैप आपके मोबाइल में है, अभी मैंने जो शेयर किया था उसमें आप पहले इस वाले मैप में आ जाओ, आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो वाला मैप निकालो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाला मैप निकालिएगा। छत्तीसगढ़ और यूपी के बीच में कौन सा बांध है, सरदार अच्छा मैप, पता मेरी भी गलती है, मैंने मैप मोबाइल निकालने को बोल दिया, पता चला मोबाइल में आप चैटिंग करते बैठ गए। इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, मोबाइल रख दो, सब रख दो, मोबाइल रख दो, यहाँ यहीं पे देख लो, गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद सागर झील, कंफ्यूज नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो झील निर्मित हुई है रिहंद में बांध बनाने की वजह से, उसको क्या कहा जा रहा है, गोविंद वल्लभ पंत झील, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो झील है गोविंद सागर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। उसके बाद में उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, दोडीताल, सात ताल, जितने भी ताल है वो भी आपके हिमाचल और उत्तराखंड में ही मिलेंगे। यहाँ से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ये जो छोटा सा एरिया है सिक्किम वाला, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो झील फेमस हैं, एक है सोंगमा झील और दूसरा है चोलामू, या हिंदी में इसको कहा जाता है चोलामू झील। चोलामू, ठीक है, और हिंदी में इसको, क्योंकि एक साथ हम बोलते हैं तो ये हो जाता है आपका चोलामू झील। ठीक, ये चोलामू झील जो है वो भारत में सबसे एल्टीट्यूड पर, सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पर लोकेटेड झील है। ठीक है, चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके बाद में गोविंद वल्लभ पंत झील इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा पर। उसके बाद में गांधी सागर झील, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, इन सभी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से वहाँ पे झील निर्मित हो गया है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर। ठीक है, राजस्थान में चलेंगे तो राजस्थान में सांभर झील और डिडवाना झील फेमस है। सांभर झील किस लिए फेमस है, खारे पानी की झील। भारत में दो झील खारे पानी के लिए फेमस हैं, एक तो है आपका सांभर झील और एक इस तरफ आप आओगे तो चिल्का झील, जो कि आपने बहुत बार इसको सुना होगा, पढ़ा होगा। कहाँ पर लोकेटेड है, उड़ीसा में। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। लेकिन वहीं पे अगर आपको प्रश्न शब्दों में थोड़ा सा खेल जाएगा, पूछा गया कि भारत में कौन सा झील खारे पानी का सबसे बड़ा झील है जो कि लैंड लॉक्ड है। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो कि भू आवेष्टित है, लैंडलॉक्ड है, तब आंसर क्या होगा, सांभर, सांभर झील हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पुष्कर, ये जो है धार्मिक प्लेस है, ठीक है, रिलीजियस प्लेस है। पुष्कर के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता है, भारत में कुछ विशेष इसका दर्जा है, पुष्कर का मेला लगता है, पहली चीज। कुछ और पुष्कर के बारे में,
पुष्कर झील के आसपास पुष्कर मेला लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर पुष्कर के ही आसपास लगता है। तीसरी चीज, भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो इसी पुष्कर के आसपास में है, पुष्कर में ही है। ठीक है, तो सांभर झील, पुष्कर झील और डिडवाना झील, इतना याद रखेंगे राजस्थान में। नेक्स्ट महाराष्ट्र में चलेंगे। महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लोणार झील। ठीक है, लोणार झील या इसको, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील कहने का क्या मतलब है, ज्वालामुखी का ये जो मुंह होता है इसको कहा जाता है क्रेटर। ज्वालामुखी का ये जो एरिया होता है ऊपर का, जहां से ज्वालामुखी निकलता है, लावा निकलता है, इसको कहा जाता है क्रेटर। ठीक, और ये जो लोनार लेक है वो इसी तरीके के क्रेटर पर फैला हुआ है। जो ज्वालामुखी का जो ये वाला स्पेस है वो नीचे धंसता गया है और ये पूरा एरिया जो है वो पानी से भर गया है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जा रहा है क्रेटर झील। भारत में ऐसा क्रेटर झील कौन सा है, लोनार लेक। इसके अलावा पोवई झील, ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट उड़ीसा में, उड़ीसा के बारे में बात कर चुके हैं। चिल्का झील सबसे ज़्यादा फेमस है। चिल्का झील की खासियत क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। उसके बाद में ये एक लैगून लेक भी है। लैगून क्या होता है, ये आसपास हो गया आपका अरब सागर, ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। इसी दोनों रीजन में आपको कई सारे लैगून लेक मिलेंगे। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि लैगून होता क्या है। देखिए, क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों में है और जब भी नदी में जल का स्तर बढ़ता है तो नदी का पानी अंदर की तरफ प्रवाहित होने की कोशिश करेगा, और क्योंकि ये जो कोशिश है वो लाखों करोड़ों साल से चल रही है, तो ये क्या करता है कि आपके तटीय क्षेत्रों में कटाव करते हुए अंदर भूभाग की तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाता है। और जब इसमें सेडिमेंट यहाँ पे इस साइड सामने की तरफ जमा होने लगते हैं तो ये जो पूरा एरिया है वो कवर हो जाता है किससे, सैंड या बालू से। अब यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर निर्मित हो गया, ये आपका एक्चुअल में लैंड एरिया था, आपका भूभाग का सीमा था, यहाँ अंदर तक पानी घुस गया और ये इस तरीके से, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको अगर आप जूम इन करोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पर क्या हो रहा है, समुद्र का पानी कंटिन्यू बह रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बालू या सैंड जमा होने की वजह से इसका रास्ता ब्लॉक हो चुका है। एक छोटा सा नैरो एरिया होता है जहाँ से वाटर की सप्लाई वहाँ पे होते रहती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है तटीय राज्यों में ही दिखाई देगा। तटीय राज्यों में भी ज़्यादा करके आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और अगर इधर चलेंगे आप गुजरात के आसपास, वहाँ पे ऐसे कुछ लेक दिखाई देंगे, आपका केरल में भी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे डायरेक्ट इनको वाटर की सप्लाई समुद्र से होते रहती है और इनका जो मुंह है वो उसी समुद्र के बालू या आपके रेत की वजह से बंद हो चुका होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है लैगून लेक। ठीक है, ये हुआ आपका, ये आपका लैगून झील। भारत में जो चिल्का झील की बात कर रहे हैं, ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो है और इसके अलावा सबसे बड़ा लैगून झील भी है। लैगून झील समझ में आ गया, यहाँ से इसकी वाटर की सप्लाई बंगाल की खाड़ी से, समुद्र से होते रहती है। इसके अलावा तेलंगाना में हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, निज़ाम सागर, ये सभी मानव निर्मित झील है, जिसमें से निज़ाम सागर के बारे में अभी हमने पढ़ा था, मंजीरा नदी पर है या मांजरी नदी पर है, हुसैन सागर मूसी नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। नदियों वाले टॉपिक में ये सभी आपने नोट किया हुआ। मूसी नदी के किनारे बसे शहर में एक तो है कौन सा, हैदराबाद, और सेकंड कौन सा था, सिकंदराबाद, रेलवे जोन सिकंदराबाद। ठीक है, मूसी नदी के किनारे बसे दो प्रमुख शहर में है, एक हैदराबाद और दूसरा सिकंदराबाद। तेलंगाना से नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे जो फेमस लेक हैं, एक है कुलेरू लेक और दूसरा पुलिकट लेक। पुलिकट लेक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के हिसाब से भी और करंट अफेयर के हिसाब से भी।
पुलिकट लेक पर ही एक लोकेशन है, एक द्वीप जैसा लोकेशन है, पॉइंट है, जिसको कहते हैं श्री हरिकोटा या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। पुलिकट लेक पर ही एक पॉइंट है श्री हरिकोटा या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कर्नाटक में बेलांदूर लेक। केरल की तरफ चलें तो ये जो इम्पोर्टेंट झील है वेम्बनाड और अष्टमुदी, दोनों के बारे में ही एक कॉमन फैक्ट है, दोनों लैगून झील है। यहाँ पे हमने पढ़ा लैगून झील, लैगून झील, यहाँ पे भी लैगून झील। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हुआ होगा, ये आपका मेन लैंड एरिया, यहाँ तक समुद्र का पानी घुस गया, वापस में ये इस तरीके से। ठीक है, इन एरियाज में पानी जो है वो भर चुका है, इसी को कहा जाता है लैगून झील। इसके बारे में जो केरल में जो लैगून झील है, इसका एक और नाम है, वहां पे लोकली इसको कयाल कहते हैं, झील का नाम नहीं है ना, लैगून के लिए वो लोग शब्द यूज करते हैं कयाल। लैगून का पर्यायवाची कह लो, लैगून का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या है, कयाल। कौन कौन से लैगून है यहाँ पे, वेम्बनाड और अष्टमुदी। अब आप ये जान लो कि झील, इसी को ही कुछ राज्यों में क्या कहा जा रहा है, लैगून। लैगून एक प्रॉपर अलग स्ट्रक्चर हो गया है, और केरल में इसी को क्या कह रहे हैं, कयाल। ठीक है, झील को ही जो उसका अलग एक अलग स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से लैगून कहा जा रहा है, और कुछ राज्यों में या कह सकते हो कि केरल में स्पेसिफिकली इसको कयाल के नाम से जानते हैं। कौन कौन से झील हैं केरल में, वेम्बनाड, अष्टमुदी और सास्थमकोट्टा झील। ठीक, वेम्बनाड, अष्टमुदी और सास्थमकोट्टा झील। वेम्बनाड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक आइलैंड है वेलिंगटन आइलैंड, जहाँ पे हर साल नौकायान प्रतियोगिता होती है। कभी आपने न्यूज़ में या डिस्कवरी में अगर देखा होगा, एक बड़ा सा नाव होता है, इस तरीके से बहुत गहरा नाव नहीं होता है, एक सपाट टाइप का नाव होता है, उथला टाइप का नाव होता है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स बैठे रहते हैं और सभी जो है क्या करते हैं, नाव को खेते हैं। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है वेलिंगटन आइलैंड पर केरल में ही अरेंज किया जाता है। उसके बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक फेमस स्पॉट है कोडईकनाल, मानव निर्मित झील है। इसके अलावा स्टेनले झील कावेरी नदी पर। ये कुछ प्रॉपर इम्पॉर्टेंट झील्स हैं जो कि भारत में अलग अलग राज्यों पर स्थित हैं। जो कन्फ्यूज़न वाले फैक्ट हैं या जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ पे अगर कवर नहीं किए गए हैं, इसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील कहाँ पर है, भाखड़ा नांगल डैम वाले एरिया में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा भूआवेष्टित झील सांभर लेक राजस्थान में, और खारे पानी का सबसे बड़ा झील अगर सिर्फ पूछा जाए तो चिल्का लेक, कहाँ पर, किस राज्य में, उड़ीसा में। विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर कहाँ पे है। भारत के पश्चिम की तरफ चलेंगे तो कौन सा देश आएगा, भारत के पश्चिम में, पाकिस्तान के पश्चिम में, पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पश्चिम में कजाकिस्तान, या ईरान या इराक, सब में ना ना आ रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, याद रहेगा। पीछे चलेंगे भारत के पश्चिम की तरफ चलेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ईरान के जस्ट ऊपर में कुछ दूसरे देशों से घिरा हुआ एक लोकेशन है, इसका नाम क्या है, कैस्पियन सागर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान के ऊपर में कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे खारा झील है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, झील होने का रीज़न, अच्छा कैस्पियन सागर नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे ना, नाम में सागर है पर है ये झील। चारों तरफ भूभाग से घिरा हुआ है और सभी देशों से बहने वाली जो नदियां हैं, क्योंकि इसमें अपना वाटर डंप करती हैं, वाटर अपने साथ सॉल्ट तो लेके आती हैं, पर यहाँ पे जब डंप करती हैं और अपना पानी यहाँ पे जब गिरा देती हैं, उसके बाद में यहाँ से जो पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा सॉल्ट,
हजारों लाखों सालों से जब ऐसा ही चीज़ होते जा रहा है, इसी वजह से क्या है वहाँ पे वो एरिया जो वो पूरा लेक है वो सॉल्टी तो होता जा रहा है, उसमें पानी की कमी है पर सॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए इस विश्व का सबसे ज़्यादा खारा झील है कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत की प्रमुख झीलें, और इसमें जो दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैप के अलावा वो हम नोट करते चलेंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा भारत की प्रमुख झीलें। इसको बस फैक्ट के तौर पे एक एक स्टेटमेंट में नोट करते चलेंगे। सबसे पहला है वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर डैश करके, उसी में कंटिन्यू करेंगे। भारत में ताज़े पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। उसी में ही डैश करके या कॉमा करके एक और फैक्ट नोट कर लेंगे, गोखुर झील। वुलर झील के बारे में जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका लोकेशन किस राज्य में है या किस क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्स बो टाइप का, गोखुर टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सांभर झील। सांभर झील राजस्थान डैश करके लिखिएगा, भारत में खारे पानी का या खारे पानी की सबसे बड़ी भू आवेष्टित झील। लैंडलॉक्ड झील। नेक्स्ट है चिल्का झील। डैश करके उड़ीसा किस राज्य में है, उड़ीसा डैश करके उसी में लिख लीजिएगा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और उसी में ही कॉमा करके या डैश करके या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लैगून लेक। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लैगून टाइप का स्ट्रक्चर है, लैगून झील। नेक्स्ट है पुलिकट झील। एग्जाम में इसका लोकेशन आप लोगे आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका एक्चुअल लोकेशन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का जो बॉर्डर है, दोनों के बीच में कई सारी वाटर स्ट्रीम्स हैं, इसी में ही एक घुसा हुआ है ये पूरा एरिया, ठीक है। इसको अगर आप राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, इसी में ही डैश करके लिख लीजिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप। और इसी में ही एक और चीज है, उसको नोट कर लेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नॉर्थ ईस्ट का ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हमने मिस कर दिया था अभी, मणिपुर में एक
लेक है, झील है, इसका नाम है लोकटक झील। मणिपुर में झील है लोकटक झील। इसके बारे में खासियत है कि पूर्वोत्तर में या नॉर्थ ईस्ट में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेशनल पार्क। इस झील में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग नाम है, पर एक बार दो बार आप पढ़ लोगे तो याद रहेगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान तो हर राज्य में होंगे, पर इसकी क्या खासियत है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क या तैरता हुआ पार्क, तो ये किस तरीके का तैरता हुआ पार्क है? असल में ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसका जो सरफेस एरिया है वो कुछ ऐसे मिट्टी के नीचे है जो कि बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है, और जब इसमें पानी भर जाता है या जब ये नम हो जाती है ये मिट्टी, तो ये बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करती है। मतलब आप अगर इस पे खड़े होगे तो वहाँ की मिट्टी दबेगी, आप धसोगे नहीं पर मिट्टी दबेगी, और ये कंटिन्यू जब आप इस पे छलांग में लगाओगे या कूदोगे तो कंटिन्यू बाउंस बैक करते रहेगा, ठीक है। इसी वजह से इसको कहा जाता है तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये पानी के आसपास है, पानी से घिरा हुआ है, और दूसरी चीज़ इसमें जो सरफेस है वो एकदम स्पंजी टाइप की है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ पार्क। हाँ, कुछ सुनाई आया था, इस टाइप का कुछ एरिया है, सरफेस है, स्पॉन्जी टाइप का है करके, ठीक है, इसके बारे में ही नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर डैश करके, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसी में ही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तैरता हुआ पार्क, फ्लोटिंग पार्क या तैरता हुआ पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चलिए इसके फटाफट कुछ क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। भारत का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील, भूमि के अंदर या मुख्य भूभाग के अंदर खारे पानी का सबसे बड़ा झील सांभर झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ये यहाँ पे मैंने बताया था आपको, चोलामू झील। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, सबसे बड़ा कृत्रिम झील मानव निर्मित झील, गोविंद सागर झील, पंजाब वाला ना, गोविंद सागर झील पंजाब में जो है, पंजाब और हिमाचल के बीच में सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। हाँ, उत्तर प्रदेश, ये मानव निर्मित है, ये भी मानव निर्मित है पर ये सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सतलज का वाटर कैरिंग कैपेसिटी से समझ सकते हो, सतलज जो है वो रिहंद से ज़्यादा पानी कैरी करता है, ठीक है, इसी वजह से ये वाला जो है वो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। ये भी मानव निर्मित है, नो डाउट मानव निर्मित झील दोनों है, पर ये सबसे बड़ा है। चलिए इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो करते हैं फिर चलेंगे। सांभर झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील, कोलेरू झील, कोलेरू लेक, मैप में हमने देखा था
मैंने नोट नहीं करवाया है पर मैप में अवेलेबल है। कोलेरू लेक सर्च कर लो, आंध्र प्रदेश, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील, विश्व की दूसरी और एशिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसका जो फैक्ट है यहाँ पे अवेलेबल है। विश्व का पहला सबसे बड़ा झील खारे पानी का, दूसरा चिल्का झील। कौन सा झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? नैनी, लोकटक, सांभर, वुलर। ठीक है, क्या छुपा है आप लोगों से? ठीक, चलिए बाकी का कल की क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।